जिस पर पुलिस ने उस पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। दरअसल शहर में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आईजी मीला ने आतंकवाद निरोधक दस्ते को होटलों में चेकिंग करने के निर्देश दिए थे, जिस पर एटीएस के दो जवान सादी वर्दी में ऋषभ यात्रीवास शरणम नगर में कमरा लेने पहुंचे। उन्होंने खुद को यात्री बताकर पहचान पत्र न होने की बात कही, जिस पर मैनेजर ने तो पहले कमरा देने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही जवानों ने ज्यादा पैसे का लालच दिया मैनेजर ने उन्हें कमरा दे दिया, जिसके बाद जवानों ने इसकी जानकारी एटीएस प्रभारी और एसपी को दी। आपको बता दें उन्होंने मैनेजर को फटकार लगाते हुए 10,000 का जुर्माना ठोका है। बहुत बड़ा गंभीर मामला है, इसीलिए हम लोगों ने, मैं खुद ही इसमें एक मीटिंग इनकी ले चुका हूँ होटल एसोसिएशन की, और उस दिन ये स्पष्ट इनको मैसेज दिया गया था कि इस तरह की कोई भी बात ना हो, सीसीटीवी लगाए सभी लोग अपने यहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई लोग तो कठोर कार्रवाई होगी वो करेंगे, और दोबारा इनको एक हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि दोबारा इस तरह। तो हमारे साथ पुलकित शुक्ला जुड़ेंगे जिनसे जानेंगे तमाम जानकारी। पुलकित सुन पा रहे हैं आप जी? पुलकित, राज्य में अर्थकुंभ पठानकोट हुआ है, तो इसके बाद अब स्थानीय प्रशासन किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम कर रही है? काजल जी, बताना चाहेंगे कि अर्धकुंभ मेले में सुरक्षा के दौरान एटीएस ने हरिद्वार में ये एक बड़ी कार्रवाई की है। हाँ जी जी। जिसमें उनके द्वारा एक मौके की गई है, उन्होंने हथियार बंद दो बिना वर्दी के अपने जवान को भेजा था, उनको वहाँ पे आसानी से रूम मिल गया, जिससे पता चलता है कि होटल मालिक हरिद्वार में सुरक्षा में किस तरह से सेंध लगा रहे हैं, जो कि बड़ी आतंकी घटना को न्योता दे रहे हैं। जी पुलकित, मैं बस पुलकित ये बताइए कि अभी जो वहाँ पर, पुलकित सुन पा रहे हैं आप जी? पुलकित, होटल के जो संचालक हैं उनके खिलाफ आखिरकार किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? कल जिस होटल पर ये घटना घटी है उस पर उन्होंने कुछ आर्थिक दंड लगाया है, और इसके अलावा एसएसपी कुंभ ने आग्रह भी किया है सभी होटल मालिकों से कि किसी भी बिना आईडी के किसी को भी रूम ना दिया जाए, जो भी संदिग्ध हो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए पुलकित। देवरिया में समाजवादी चिंतक पूर्व सांसद स्वयं मोहन सिंह का आज जन्मदिन है। इस मौके पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विविध पूजा अर्चना पर हवन किए गए। इस दौरान उनकी बड़ी बेटी राज्यसभा सांसद कनकलता सिंह ने गरीबों को कंबल वितरण किया। इस अवसर पर भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मेरे पिता का 72वां जन्मदिन है, और इसमें आपने देखा है कि हवन पूजन हुआ, कंबल वितरण किया गया, और मैं पिछले साल अपने कार्यालय में पापा का जन्मदिन मनाई थी, आप लोग सब लोग थे और आपने देखा, लेकिन मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकती, किन्हीं परिस्थिति बस मुझे आज मंदिर में उनका जन्मदिन मनाना पड़ रहा है। नौजील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते करीब दर्जन भर गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा ग्रेटर नोएडा आगरा रूट पर हुआ। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि सुबह घने कोहरे ने दस्तक दी, सुबह 6 बजे विजिबिलिटी 0 तो गाड़ी चली। आपको बता दें कि चले कि यमुना एक्सप्रेस वे पर रिफ्लेक्टर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाए गए हैं, इस कारण कोहरा घना होते ही विजिबिलिटी कम होने पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। तो कोहरे की वजह से आज लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, कहीं कार आपस में टकरा रही है, कहीं ट्रक आपस में टकराए जा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में अपनी मांगों का स्टेट कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर हैं, जिसे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छोड़ते हैं हम भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा ही नहीं
राज्य के सभी जिलों को टटोलते हैं हम।